अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कादिर शहबाज अहमद है। मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स करते हैं। मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स का मतलब ये होता है कि जो कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं, बल्कि एक छोटे से सुराख से एक स्मॉल छोटे से नीडल या कैथेटर के जरिए बड़े बड़े प्रोसीजर्स करते हैं। आज मैं आपको जो प्रोसीजर बताऊंगा जो हम करते हैं, इसको कहते हैं वर्टिब्रोप्लास्टी। वर्टिब्रोप्लास्टी बेसिकली एक प्रोसीजर्स है। आमतौर पे हमारे माशरे के अंदर ख्वातीन को, मर्द को बैक पेन, जो इनको कहते हैं कमर का दर्द, उनको बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। कमर का दर्द जो होता है आमतौर पे उनकी डॉर्सल स्पाइन या लंबर स्पाइन, वो हमेशा तकलीफ में रहते हैं। हमारे माशरे के अंदर ख्वातीन के अंदर वाइटामिन डी और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसके नतीजे में एक डिज़ीज़ जिनको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो उसमें बोन जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर बोन की वजह से उनकी जो वर्टिब्रा होते हैं वो फ्रैक्चर करते हैं, जिनकी वजह से इनको काफ़ी पेन की शिकायत रहती है। पेशेंट्स जिनके स्पाइन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से उनकी वर्टिब्रल बोन्स होती हैं, जब फ्रैक्चर्स होती हैं तो फ्रैक्चर के नतीजे में ये पेशेंट आमतौर पे बैक पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ये तकलीफ में रहती हैं। इनकी जो मूवमेंट होती है वो कम होती है, इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं इनको, और मेंटल इश्यूज रहते हैं। ये पेशेंट जो होते हैं सिम्टोमेटिक होती हैं, हमेशा ये बड़े कॉन्शियस रहते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जो ये पेशेंट थे जिसको एक ऑस्टियोपोरोसिस थी, ऑस्टियोपोरोसिस के नतीजे में इस पेशेंट्स की जो वर्टिब्रल बॉडी थी, जिसको हम कहते हैं L1 वर्टिब्रल बॉडी, ये इसकी फ्रैक्चर कर गई। और ये पेशेंट थी, इसको तकरीबन इसका जो पेन स्कोर था वो तकरीबन 10 था, 10 out of 10। तो ये वेरी सिम्टोमेटिक पेशेंट थी। इस पेशेंट को काफ़ी तकलीफ थी, हमेशा इसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम थी और ये हमें कंप्लेन करती थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको वर्टिब्रल बॉडी के अंदर ट्यूमर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मल्टीपल माइलोमा, हेमेंजियोमा, या उनके बोन की जो मेटास्टेसिस, जो ट्यूमर किसी और जगह होता है और वो बोन में आके डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से बड़े शदीद पेन में होते हैं। ये तमाम पेशेंट जो होते हैं सिम्टोमेटिक होते हैं। इन तमाम इनकी पेन की सिम्टम्स को हम रिमूव कर सकते हैं। आजकल के मॉडर्न दौर के अंदर नई नई एडवांस टेक्नोलॉजीज आई हैं, जिसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रोप्लास्टी। इस वर्टिब्रोप्लास्टी के ज़रिए जो पेशेंट जिनकी पेन होती है उनके सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत उनकी जो बोन्स होती हैं जो बड़ी फ्रजाइल होती है, जो कमज़ोर होती हैं, जिनके अंदर और फर्दर चांसेस होती हैं उनकी बोन जो होती हैं डिस्टर्ब हो सकती हैं, उनको हम वहाँ पर स्टेबल कर सकते हैं इस वर्टिब्रोप्लास्टी के ज़रिए। वो पेशेंट्स जिनको ये तमाम इश्यूज़ होते हैं और जो काफ़ी अर्से से पेन मेडिकेशन ले रहे होते हैं और उनको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही होती है, ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जिनको 3 महीने की मेडिकेशन दी गई और 3 महीने से उनका पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है और उनको सिम्टम्स उनके हैं, तो इन तमाम इश्यूज़ के अंदर वर्टिब्रोप्लास्टी होती है वो इनके पेन को कंट्रोल करती है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। एग्जाम्पल, ये एक पेशेंट थी तकरीबन जिसकी उम्र 56 ईयर्स ओल्ड थी। इस पेशेंट्स को ये वर्टिब्रल बॉडी फ्रैक्चर था ऑस्टियोपोरोसिस के नतीजे में, जिसकी वजह से इसका पेन स्कोर जो था वो 10 out of 10 था। इसका ये प्लेन एक्सरे था और ये एक इसका MRI है, जिसके अंदर इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 15-20% इसकी डिक्रीज़ कर रही है। पेशेंट काफ़ी सिम्टोमेटिक था। हमने क्या किया, हमने एक अपने मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स में बगैर ऑपरेशन के, बगैर किसी कुछ किए हुए, हमने एक छोटी सी नीडल जो है इसकी वर्टिब्रल बॉडी में डाली, आपने ये देख रहे हैं, और वर्टिब्रल बॉडी में डालने के बाद हमने इसमें सीमेंट इंजेक्ट किया है, और ये सीमेंट से हमने बाद में इसका सीटी स्कैन किया है, जो सीमेंट जो है इसके अंदर पूरी इस वर्टिब्रल बॉडी में चला गया है, और इसकी वजह से सीमेंट ने इसकी बोन को कंसोलिडेट किया, स्टिफ किया, हार्ड किया है और स्ट्रॉन्ग किया है। इसको हमने एक हफ्ते के बाद इस पेशेंट को देखा, इसका पेन स्कोर था वो 0 हो गया, यानी कि जहाँ पेन स्कोर 10 था आज इसका पेन स्कोर 0 है। तो इस पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक फ्री है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है। तो वर्टिब्रोप्लास्टी जो है एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स है, वो लोग जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनको ट्यूमर है, या जिनकी फिजिकल जो सिम्टोमेटिक हैं फॉर बोन के लिए, बोन पेन के लिए, स्पेशली फॉर वर्टिब्रास, उनको वर्टिब्रोप्लास्टी की से उनको बहुत सारी आफाकियत हो सकती है।
हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी पहली क्लिनिक खोली है जिसको हमने आईआरसीसी कहते हैं, इंटरवेंशनल रियोलॉजी कंसल्टेंट क्लिनिक। आप हमारे इस तमाम सोशल ब्लॉक्स के ऊपर आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम आपको फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ इस्लाम पिंडी के अंदर, आप उनको कॉल करें, उनसे अपॉइंटमेंट लें, हम आपको विजिट करेंगे और आपको आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपके बेस्ट मैनेजमेंट आपकी क्या हो सकती है आपके सिम्टम्स के अंदर। शुक्रिया।